फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेकर आया हूँ एक शानदार लेसन जो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत हेल्पफुल होगी। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं जहाँ हम कहते हैं के बिना पर या के आधार पर, जैसे अच्छे कामों के बिना पर तुम स्वर्ग में जाओगे यानी तुम जन्नत में जाओगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए जहाँ आप कहते हैं के बिना पर या के आधार पर, आप बाय द वर्चू आपका इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, आइए इस बात को एग्जांपल में बेहतर तरीके से समझें। अच्छे कामों के बिना पर तुम जन्नत में जाओगे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे बाय द वर्चू ऑफ गुड वर्क्स यू विल गो टू हेवन, यानी जन्नत में आप अच्छे कामों के बिना पर जाएंगे, अच्छे कामों के आधार पर जाएंगे, बुरे कामों के नतीजे में तुम्हें नर्क में जाना होगा। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे बाय द वर्चू ऑफ बैड वर्क्स यू विल हैव टू गो टू हेल, यानी खराब कामों के नतीजे में या खराब कामों के बिना पर या खराब कामों के आधार पर तुम्हें नर्क में जाना होगा। कड़ी मेहनत के नतीजे में या कड़ी मेहनत के बिना पर मैंने ज्यादा व्यूज पाया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे बाय द वर्चू ऑफ हार्ड वर्क आई गॉट मोर व्यूज। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो अच्छे कामों के नतीजे में उसे एक इनाम मिला, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे बाय द वर्चू ऑफ गुड वर्क्स ही गॉट अ प्राइज, अच्छे टॉपिक पढ़ाने के बिना पर मुझे ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिले। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे बाय द वर्चू ऑफ टीचिंग गुड लेसंस आई गॉट मोर सब्सक्राइबर्स। आइए फ्रेंड्स, लास्ट एग्जांपल देखते हैं। दौलत के बिना पर या पैसे के बिना पर कोई महान नहीं हो सकता, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे नो वन कैन बी ग्रेट बाय द वर्चू ऑफ वेल्थ, यानी दौलत के बिना पर या दौलत के आधार पर कोई महान नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि बाय द वर्चू ऑफ का इस्तेमाल आपको शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह लेसन पसंद आया तो क्या इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे? वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।